रवि अगर हम शुरू करते हैं से मतलब बच्चों से यूथ से कितना जरूरी है क्योंकि रैकेट काम कर रहा है उनके साथ अवेयरनेस सही समय पर बच्चों को मिले एचआईवी पर या चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन हो इसके बारे में आप क्या कहेंगे यूथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और एज अप्रोप्रिएट कंटेंट सही टाइम पे देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे कि जब हमने जब प्रोग्राम जब चालू किया था इंडिया में तो सबसे पहले जब हम ऑनलाइन देख रहे थे वो ये देख रहे थे स्टॉप सी एस सी वो सबसे टॉप ट्रेंडिंग था सोशल मीडिया पे और आज भी है बट उसको आप डी करते हुए आगे बढ़े आप चार लाख स्कूल बच, स्कूल के बच्चों तक पहुंचे नॉर्थ ईस्ट में हुँ. और आपको आज गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और आपके पास में सिविल सोसाइटी के बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं जी तो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देना जरूरी है और सही समय पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बच्चों के लिए कुछ कंटेंट बना रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आपका आपके पास में मल्टीपल जो लोग हैं जो उनके सराउंड में है उनकी मदर उनके फादर उनके रिलेटिव उनके टीचर्स उनका पीयर ग्रुप उन सबकी फीडबैक लिया जाए और तब कंटेंट बनाया जाए हम जैसे बोलते हैं जैसे मोदी जी बार बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सब किस तरह होता है वो सबके प्रयास से होता है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं बट वो कल्चरली अडेप्टिव प्रयास होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी आई एम श्योर आपने हमारा कॉन्डोमोलॉजी रिपोर्ट देखा होगा कि रैकेट जो था रैकेट इज ए फाउंडिंग मेंबर फॉर द कॉन्डम अलायंस इन इंडिया जी जी उस पूरी रिपोर्ट में भी एक चीज बहुत स्ट्रांगली निकल के आई कि अगर आप एज अप्रोप्रिएट मैसेजिंग देंगे तो आपका जो आ, टीन प्रेगनेंसीज जैसी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी जो न्यूर एसटीआई इंफेक्शंस है वो भी हो सकता है कि आपको वजाइनल एसटीआईस नहीं हो के आपको ओरल एसटीआईस हो तो वो सब इंफेक्शंस में भी आपका जो है वो घटाव आएगा रवि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हमें पता है कि हमारे देश में अलग-अलग जगह ज्यादा कई जगह ज्यादा एड्स और खासकर नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है वहां पे एड्स एचआईवी का जो प्रेवलेंस है बहुत ज्यादा हाई है मिजोरम में करीब 10 टाइम ज्यादा है पूरे देश के अगर हम एवरेज देखें तो तो क्या आप हमें बता सकते कि आप वहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं बर्ड्स एंड का वो अलग किस तरह से है ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक चैलेंज है बट विद दिस गवर्नमेंट्स एफर्ट्स थिंग्स आर मच बेटर नाउ जी करिकुलम की आपने बात किया कि करिकुलम अलग किस तरह से है करिकुलम इस तरह से अलग है कि जो करिकुलम है वो पेरेंट्स के साथ में बैठ के बनाया हुआ करिकुलम है hmm. रिसर्च बैक्ट करिकुलम है जो कि सिर्फ एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं है उसमें सारा जो करिकुलम बना है वो एथनोग्राफिक रिसर्च से बना है जिसके अंदर जो एथनोग्राफर्स है वो कम्युनिटी में पेरेंट्स के साथ में बच्चों के साथ में कुछ महीने रह के जान के उसके बाद में उन्होंने सब ये करिकुलम जो बनाया है तो इम्पॉर्टेंट है कि कल्चरली अगर आप इंडिया में देखते हैं तो दो सिस्टम्स हैं सोसाइटी में एक है दया भागा दूसरा है मिताक्षा वुमेन हैडिड हाउस होल्ड्स सोच अलग है और उनके भी जो सारे जो मैसेजिंग है वो अलग से लिया गया फिर वहां पर काफी सारी इंडिजीनियस पॉपुलेशन हैं सो आप कैसे मल्टीपल इंडिजीनियस कम्युनिटीज का जो सोच है और जो उनका थिंकिंग है उसको आप साथ में कैसे माला में जैसे मोती को पिरोते हैं वैसे आप कैसे पिरो के एक आप पूरा करिकुलम बना के आप लेके आते हैं और उसका वाइड एक्सेप्टेंस है आप, आपके साथ हम ये थर्ड ईयर है हमें ड्यूर बर्ड इन दीस टॉक करिकुलम को ले जाते हुए प्राउड ये मूवमेंट है हमारे लिए कि गवर्नमेंट से तो सपोर्ट है ही है इस साल अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में हो रहा है एक तारीख से दस तारीख तक तेईस साल में पहली बार एक ब्रांड जो कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड है जो कि ड्यूरिक्स है ड्यूरिक्स बर्ड्स इन द बीस्टॉक इज द प्राइम सपोर्टिंग पार्टनर टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल ट्वेंटी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चेंज है जो देख रहे हैं पर जो कि हम ग्राउंड वर्क से हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं रवि एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अगर बर्ड्स और बीज का जो आपका ये प्रोग्राम है, इसका, इसके है अलग अलग स्टेट से आ, एक्टिवली हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूपी बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड एटलीस्ट इन फोर स्टेट्स में इस करिकुलम को इस आएंगे रिसर्च uh, का काम चल रहा है अभी क्योंकि कल्चरली जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया तो अगर हमें कल्चरली अडेप्टि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन अगर करना है और बिहेवियर नजीस को यूज़ करना है तो रिसर्च फर्स्ट पार्ट है hmm. तो ये रिसर्च से जो भी रिजल्ट्स uh, निकलते हैं uh, उनको इनकॉर्पोरेट करके मुझे लगता है 23 फर्स्ट क्वार्टर वी विल बी विटनेसिंग Uh, four big states in India for the program. For the program. So, wishing you all the very best Thank for that. You.